स्वानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। बिहार में अपराधी बेखौफ। सुपौल में कैश वैन पर हमला कर अपराधियों ने लूटे 30 लाख रुपए। बिहार में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए सूबे में अपराधी हर दिन कहीं ना कहीं बड़ी वारदातों को अंजाम देते रहते हैं और पुलिस को चुनौती देते रहते हैं। ताजा मामला सुपौल का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने 30 लाख रुपए की लूट की है। नमस्कार, मैं हूं निर्जा और आप देख रहे हैं CS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं, न विशेष राज्य का दर्जा मिला और न ही विशेष पैकेज। मोदी सरकार ने आज आम बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए मोदी सरकार ने इस बजट में करदाताओं को कोई राहत नहीं दी है, मगर सरकार ने 75 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को रियायत दी है। सरकार ने इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। सीतारमण ने आम बजट में 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा है। केंद्रीय आम बजट पर बोले तेजस्वी यादव, यह बजट नहीं देश को बेचने का सेल था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आम बजट पेश कर दिया है, जिसके बाद बिहार में सियासी पारा गर्म हो गया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार ने बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है। बजट से गदगद हैं CM नीतीश, कहा हमारी योजना को केंद्र सरकार आगे बढ़ा रही है। केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। CM नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट को स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी, राजस्व संग्रह में दिक्कत के बावजूद केंद्र सरकार ने संतुलित बजट पेश किया। आम बजट के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2021-22 के लिए 34.8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो वर्ष 2020-21 के अनुमानित बजट खर्च 30.42 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। भोजपुरी अभिनेता की भांजी की जलाकर हत्या। खबर बिहार के गोपालगंज से है, जहां एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। भोजपुरी फिल्म अभिनेता और लोक गायक नरेंद्र उजाला की भांजी के दहेज के लिए ससुराल के लोगों ने जलाकर हत्या कर दी है। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया है। घटना को लेकर मृतक महिला की मां के बयान पर थाने में पति और सास और ससुर सहित 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। केंद्रीय आम बजट पर पप्पू यादव ने भी तोड़ी चुप्पी, कहा गरीबों के लिए बजट में कुछ नहीं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने केंद्रीय आम बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह बजट विनाश का बजट है, यह किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने विशेष पैकेज के तहत बिहार में बंद पड़े चीनी मिल चालू करने की मांग की। पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री धन कुबेरों के हैं, इसलिए धन कुबेरों के लिए बजट है, लूट के लिए बजट बनाया गया है। सरकार LIC को बेचने पर उतारू है। अपराध की योजना बनाते 4 साथी लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। गौरीचक थाना के अलबक्सपुर के समीप से पुलिस ने 4 साथी लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से एक देसी पिस्टल बरामद हुई है। गिरफ्तार सभी लोगों का एक लुटेरे गिरोह से संबंध बताया जा रहा है, जिसका मुख्य सरगना पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। शनिवार की देर शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि 7 से 8 की संख्या में कुछ लोग अलबक्सपुर के समीप सड़क पर जमा है, जो शायद किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है।
वित्त मंत्री का ऐलान, अब महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिलेगी, नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए देश भर में एक देश एक राशन योजना शुरू की गई है। एक पोस्टल की शुरुआत की जाएगी जिसमें माइग्रेट वर्कर्स से जुड़ा डाटा होगा। अब महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिलेगी, नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी। ईएसएमई सेंसेक्स के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है, कहा कि बजट को बढ़ाया गया है। वही स्वामित्व योजना को अब देश भर में लागू किया जाएगा। रुपेश हत्याकांड में पुलिस की स्पेशल टीम अब बिल्डर और उसकी पत्नी को लिए हिरासत में, पूछताछ जारी। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या में पुलिस लगातार हाथ पांव मार रही है। टेंडर विवाद, पार्किंग विवाद सहित कई मुद्दों को खंगालने के बाद अब जो नया मामला सामने आ रहा है, उसके अनुसार हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई स्पेशल टीम ने शनिवार की देर रात छापेमारी कर खगौल के एक बड़े बिल्डर को हिरासत में ले लिया है। साथ ही उसकी निशानदेही पर रामकृष्ण नगर के बिल्डर की पत्नी और उसके दोस्त को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052443।